डियर व्यूअर, अस्सलामु अलैकुम एंड कम बैक। पीपीएससी ऑफिशियल चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है ये एसपीओ पुलिस कांस्टेबल, यानी उसका कम्प्लीटली पेपर भी इसमें सोल्व है और सिंध पुलिस का रिज़ल्ट कितने दिन बाएगा वो तो आ चुका है, कितने नंबर वाला पास होगा पुलिस एसपीओ, अब फिज़िकल टेस्ट कितने दिन बाद होगा। जो इसका अब मेरिट बनेगा वो 44 से लेकर 50 तक है, ठीक है। इनके अंडर ही लड़कों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिज़िकल के लिए आपको कम से कम 1 मील तक आपकी दौड़ लगाई जाएगी और 20 पुशअप और 20 सिट स्टैंड होंगे और आपका इसमें मेडिकल होगा, ठीक है। तो आप बगैर वक्त जाया कि बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कहते हैं लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी ईयर, तो लीप ईयर का साल कौन सा होता है? ये चौथा साल होता है। विच कंट्री हैज़ वॉन फीफा वर्ल्ड कप 2022? फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस मुल्क ने जीता था? वो था अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीता। हु चूज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम किसने चुना? चौधरी रहमत अली ने। द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन था? लियाकत अली खान। विच सिटी कनेक्ट टू कंटीनेंट, कौन सा शहर दो बिर आज़म को मिलाता है? वो है इस्तंबुल। विच कंट्री इज़ नाउन एज लैंड ऑफ द राइजिंग सन, यानी उभरे हुए सूरज की सरजमीन किस मुल्क कहा जाता है? जापान को। हु मैनी मजलिस शोरा, यानी पार्लियामेंट हाउस आर इन पाकिस्तान, मजलिस शोरा में कितने घर हैं? 2। वेयर द बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में नमक की सबसे बड़ी कान कहाँ वाक़ है? खेड़ा में। वाट इज़ द कैपिटल ऑफ द ईरान, ईरान का दारुल हुकूमत क्या है? तेहरान। इन विच कंट्री कैन यू फाइंड द स्टेटड ऑफ लाइब्रेरी, यानी मुजस्मा आज़ादी किस मुल्क में है? USA में। हु फ्राम द फॉलिंग डिस्कवर अमरीका, यानी अमरीका को मदरजा जैल में किसने दरियाफ्त किया था? वो क्या था? जॉर्ज वाशिंगटन ने। हु वाज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला सदर कौन था? इस्कंदर मिर्जा। हु मैनी टाइम पाकिस्तान वॉन द हॉकी वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने कितनी बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता? 4 टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज कॉल्ड किलर माउंटेन, मदरजा जैल में किस पहाड़ी चोटी को कातले पहाड़ी कहा जाता है? नागाय पर्वत को। विच माउंटेन रेंज सेपरेट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, कौन सा पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करता है? वो है हिंदू कश रेंज। द हाइस्ट पीक ऑफ द कोहकराकरम रेंज, कोहकराकरम सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? वह है खेटू। लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तरबेला डैम। पाकिस्तान लार्जेस्ट नेबरिंग कंट्री इन द टर्म ऑफ एरिया, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा पड़ोसी मुल्क कौन सा है? वो है चाइना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्री, आइसलैंड ग्रीनलैंड न्यूजीलैंड फाइनलैंड, दर्जा दर में कौन सा मुल्क नहीं है? वो है ग्रीनलैंड। द अरबियन सी इज़ द पार्ट ऑफ विच ओशियन, बहरा अरब किस बहरा का हिस्सा है? वो इंडियन ओशियन का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नॉट लैंडेड ऑन द मून, मदरजा जैल में से कौन सा मुल्क चांद पर नहीं पहुंचा? वो है फ्रांस। हु इज़ द कंस्टिट्यूशनल हेड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का आइनी सरबरा कौन है? वो है प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द को होस्ट ऑफ एशिया कप 2023, बिलोंग टू विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ एशिया कप 2023 का शरीक मेज़बान कौन सा मुल्क है? श्रीलंका। ऑन 1 सितंबर 2023 सूफी सेंट हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई उर्स वाज सेलिब्रेटेड इज वाज हिज उर्स, यानी 1 सितंबर 2023 को सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई रहमतुल्लाह का उर्स मनाया गया। ये इनका कौन सा उर्स है?
280 यानी 200 अश्मियाँ। द अर्थ रोटेट अराउंड द सन यानी जो ज़मीन है ये सन के गिर्द कैसे चक्कर काटती है, वेस्ट टू ईस्ट। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द मोरक्को, मोरक्को मराकश का दारुलहुकूमत क्या था, रबात। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन अफ्रीका, दर्जा जैल में कौन सा दरिया अफ्रीका में बहता है, दरियाए नील। द मोस्ट साउथर्न ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का इंतहाई जनूबी समुंदर कौन सा है, वह एंटार्कटिका ओशियन। विच ऑफ द फॉलोइंग पे रिप्रेजेंटेटिव लैंड लॉक कंट्री, वह अफगानिस्तान एंड ताजिकिस्तान। पर्शिया इज़ द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री, पर्शिया किस मुल्क का पुराना नेम है, वह ईरान का। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है, वह केटू। एन एशियन कंट्री अमंग द फॉलोइंग इज कुवैत मोरक्को सूडान पेरू, वह कुवैत। द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द तुर्की, तुर्किया का मौजूदा सदर कौन सा है, रिसेप तैयब अर्डोगन। द श्राइन ऑफ द अब्दुल्ला शाह गाजी इज लोकेटेड इन, अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार किस जगह पर है, वह है कराची में। विच कंटिनेंट इज होम टू द अमेजन रेन फॉरेस्ट, वह है एशिया, एशिया इज द होम ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट। यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द फेमस स्पोर्ट्समैन ऑफ फुटबॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टीनेंट बाय साइज ऑफ रकबा और आबादी के लिहाज से, मदरजा दल में सबसे छोटा बिर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। विच पार्ट ऑफ द सेल कंट्रोल आर द केमिकल रिएक्शन ऑफ द सेल, वो है न्यूक्लियस। द फॉलोइंग आर द कामन डिसीज ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, निज़ाम तनफस की आम बीमारियाँ दर्जा दल हैं, वो है हेपाटाइट्स। विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट सब लाइन सॉलिड, दर्जा जैल में कौन सा सब लाइन ठोस नहीं है, वह ड्राई आइस। द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, साइलोन वाज द ओल्ड नेम ऑफ द, साइलोन का पुराना नाम क्या है, श्रीलंका। सिमिलर इन मीनिंग आई एम फाइन, वह गुड। सिमिलर मीनिंग आई रीड अ लॉट ऑफ स्टोरीज, इस तरह के मैनी में बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी गई, वह टेल्स स्टोरी। सिमिलर मीनिंग ही हाइड बिहाइंड अ चेयर, इस तरह के मैनी इसने कुर्सी के पीछे छुपाया, बैक ऑफ। सिमिलर मीनिंग यानी द काउ इज रनिंग अक्रॉस द फील्ड, वह एन एरिया ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। अपोजिट इज द मीनिंग ऑफ द कैपिटल वर्ड, नाउन आर नेम ऑफ द मैनी थिंग, बड़े लफज के मैनी में मुखालफ इसम बहुत सी चीज़ों के नाम हैं, अ फ्यू। विच एसोटोप्स इज यूज आइडेंटिफाई एफिशिएंसी रेट्स ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, वो है नाइट्रोजन 15। Opposite of the meaning of the capital word names large number of the common things, वह litter। Opposite meaning of the capital word some words are written in their short form, वह long। The masculine gender of the horse वह mare। Antonym opposite क्या है, complex। The feminine gender of the dog वह bitch। The plural of the noun bread is breads। Synonyms of the beautiful, उसके कहते हैं cutie, प्यारा। Look at the series QPO NPL KGI dash EDC, वो आ जाएगा HGF। Which of the following is not belong to the other, rug chair table couch, वो आ जाएगा rug। कहते हैं rug, कलीन, कुर्सी, मेज़।
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अदर लीफ रूट डर्ट ब्रांच वो है डर्ट लुक एट द सीरीज F2, F8, 16, B12 नेक्स्ट क्या आ जाएगा A4 यानी 2 का पढ़ा पढ़ें तो 2 to 4 एक आर्ट टीचर ने 20 औंस पीले रंग की पेंट को 8 औंस सुर्ख पेंट के साथ मिलाया इस नासब को बरकरार रखने के लिए कितने औंस पेंट उसे 18 औंस की हिसाब लाया जाएगा 45 द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर सोल्ड बिलोंग टू 1440 क्यूब इंच व्हाट इज द लेंथ ऑफ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर सोल्ड वो है 8 inch by 20 inches विच वैल्यू ऑफ द एक्स विल मेक इक्वेशन बिलो टू 3x = 443 वो है 5 फाइंड द हेल्पिंग वर्ड ही हैज ऑलवेज डन हिज बेस्ट वो हैज सोडा एंड मिल्क मेक रिफ्रेशिंग ड्रिंकिंग इन समर थर्ड अबंड नोबल गैस तीसरी सबसे ज़्यादा चर्चल गैस कौन सी है आर्गन ये था आपके सामने होने वाला SPU कॉन्स्टेबल का कम्प्लीटली सॉल्व पेपर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें इसके साथ मुझे इजाज़त दें अल्लाह हाफ़िज़ो नज़र